बांग्लादेश के मौजूदा हालात का असर भारत में भी दिखाई दे रहा है। हिंदूवादी संगठन लगातार बांग्लादेश की स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमसे खड़े हैं आगरा के जिला मुख्यालय में और यहाँ योगी यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी पहुंचे हैं। क्या मामला है, क्या किस तरह ज्ञापन दिया गया, किस तरह मांग की गई है, पर्चे के साथ बताइए। आप यहाँ जिला मुख्यालय पहुंचे हैं, क्या मांग लेकर पहुंचे हैं और ये हाथों में जो तख्ती है इनका मतलब क्या है? पर्चे की दृष्टि से मैं कुंवर अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड। आज जिला मुख्यालय पर यहाँ योगी यूथ ब्रिगेड के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है एडीएम ए प्रशासन अजय कुमार जी को। मांग हमारी ये, जिस प्रकार बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और वहाँ की पीएम को देश छोड़ के भागना पड़ा, वो यहाँ पे भारत में आई। 56 से अधिक देश है, इस्लामिक देश है, वहां नहीं गई, वो यहाँ भारत में आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करता है क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू निवास करता है। जिस प्रकार वहाँ निर्मम तरीके से जमात इस्लामी जो आतंकवादी संगठन है, इस्लामिक संगठन है, जिसने वहाँ हिंदुओं की निर्मम हत्या की है, घरों को आग लगा दी है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बहन बेटियों के बलात्कार किए जा रहे हैं, चौराहे पर उनको नग्न अवस्था में लटकाया जा रहा है, उनको फांसी दी जा रही है, इससे भारत का हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने इस ज्ञापन के माध्यम से चार मांगे माननीय प्रधानमंत्री जी से रखी है। पहली मांग हमारी ये कि बांग्लादेश के हिंदुओं को तत्काल भारत बुलाया जाए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बॉर्डर पर हजारों बांग्लादेशी खड़े हुए हैं जो हिंदू हैं, उनको यहाँ बुलाया जाए। बीएसएफ उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, उन्हें रोका ना जाए, उन्हें यहाँ बुलाया जाए और उन्हें संरक्षण दिया जाए। दूसरा, यहाँ 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठी रह रहे हैं, जो यहाँ पर जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, दंगे करते हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, भविष्य में बांग्लादेश जैसा भारत में भी हो सकता है, इसलिए 5 करोड़ अवैध घुसपैठियों को यहाँ से बाहर भेजा जाए। तीसरी मांग, तत्काल देश हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून सामान्य नागरिक संहिता एनआरसी लागू की जाए, जिससे उनकी पहचान होगी कौन कौन घुसपैठिया है। चौथी मांग, भारत में इस्लामिक संगठन चल रहे हैं, उन इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके जो मुखिया हैं, जो यहाँ दंगा भड़काते हैं, विवादित बयान देते हैं जो मौलाना है, उन सबको जेल भेजने का काम किया जाए। हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू कभी कमजोर नहीं था, हिंदू अगर अपनी पर आ गया तो यहाँ पर जिस प्रकार अराजकता का माहौल हो रहा है, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करने वाले लोग, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव विचार, हिंसा करना पाप है लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करेंगे वो पाप नहीं है, हिंसा करने इसलिए नहीं चूकेंगे। हमारी भारत सरकार से मांगे हिंदुओं को सुरक्षा दे, सम्मान दे, मोदी जी से मांगे, मोदी जी को हमने इसीलिए दिल्ली की सत्ता में बैठाया है कि हिंदुओं की सुरक्षा हो सके। जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हैं उसकी क्या वजह मानते हैं, किस तरह से आप देख पा रहे हैं जिस तरह तख्ता पलट अचानक से हुआ, सेना कब्जा? वजह ये है, ये जो इस्लामिक मानसिकता के लोग हैं, तालिबान है, जैश ए मोहम्मद है, अलकायदा है, ये जो आतंकवादी संगठन है, इस्लामिक जिहादी, इनका मकसद यही है कि पूरी दुनिया को मुसलमानी दुनिया बना दो, इस्लाम का शासन पूरी दुनिया में हो। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में भी यही हुआ, अफगानिस्तान में यही हुआ, फ्रांस में यही हुआ, श्रीलंका में ऐसी बात दंगे बता दुए, वहां अल्पसंख्यकों को मारा गया। इनका मकसद है कि पूरी दुनिया को इस्लामिक बना दिया जाए, इसी के तहत बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया गया है कि इस्लाम का वहां शासन हो और हिंदू अल्पसंख्यकों को मार के भगाया जाए। जैसे पाकिस्तान में हिंदू आज बिल्कुल नहीं बचाए, ऐसे ही आज बांग्लादेश में हो गया, किसी दिन भारत में ऐसा ना हो, इसके लिए हमारी मांगे माननीय मोदी जी से आवश्यक कदम उठाए जाए। हमारे साथ योगी प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर है, जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि जिस तरह के हालात मौजूदा बांग्लादेश में बने हुए, मौजूदा स्थिति जो नजर आ रही है, जिस तरह नरसंहार हुआ हो रहा है, जिस तरह की स्थिति वहां दिखाई दे रही है, तख्ता पलट हो चुका है, सत्ता का सेना का कब्जा है, उसको लेकर मांग की है जो वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू है उनको भारत लाया जाए और आगे की तमाम मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। लक्ष्मी समाज आगरा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.